फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना, बीच में छोड़ के मत चला जाना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि उत्तराखंड का जो किसान है, उत्तराखंड का जो मेहनती काश्तकार है, वो किस तरह से जंगली जानवरों और आवारा पशुओं के द्वारा बर्बाद हो रहा है। तो आप इस वीडियो में देखेंगे और किस तरह से उसकी अमूल्य फसल को नष्ट किया जा रहा है, और इस तरह से यहाँ पर हमारे विशेषकर जो उत्तराखंड के जो पहाड़ी जो क्षेत्र है, वहाँ का किसान, वहाँ की खेतीबाड़ी और हजारों नाली, हजारों बीघा ज़मीन किस तरह से जंगलों में तब्दील हो रही है और वहाँ पर केवल झाड़ियाँ उग रही हैं, जबकि वो ऐसी ज़मीन है, बहुत ही प्राइम और बहुत ही उपजाऊ ज़मीन है, जहाँ पर कभी बहुत ही अच्छी फसल हुआ करती थी और किसान का मुख्य आय का साधन हुआ करती थी ये ज़मीन। लेकिन आज किसान इतना बर्बाद हो चुका है इन पशुओं की वजह से कि वो लाचार है, वो करे भी करे क्या, वो अपने स्तर से घेरबाड़ भी करता है लेकिन पशु उसको सारा तोड़ के नष्ट कर देते हैं और उसकी फसल को तबाह कर देते हैं। और उसका उदाहरण मैं स्वयं हूँ, मैं स्वयं आज अपनी खेत आपको दिखा रहा हूँ, आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, इस साल मेरे 3 क्विंटल कीवी लगे हुए थे और बहुत ही अच्छा साइज़ बना हुआ था। और आप सोच सकते हैं, मैं अपनी कीवी को पिछले साल जो मैंने कीवी बेची थी 250, 300 और 275 रुपये किलो मेरी घर पे कीवी बिक चुकी थी, और इस साल किसी बाहर के व्यक्ति, दिल्ली वाले व्यक्ति ने मेरे से बात कर रखी थी कि जितनी भी कीवी होगी उस कीवी को मैं आपसे खरीद लूँगा और बहुत अच्छे दाम भी दूंगा, 350 रुपये किलो के हिसाब से उसने मेरे को कहा था। लेकिन मेरी सारी कीवी आप लगा सकते हैं कि 300 किलो कीवी 350 रुपये किलो के हिसाब से कितनी की थी, कितना बड़ा मेरा नुकसान हो चुका है। और इसके अलावा जो मेरे सेब के पेड़ थे वो भी नष्ट हो चुके हैं, आड़ू के पेड़ थे वो भी जंगली जानवरों ने नष्ट कर दिए हैं। इस तरह से हम किस ढंग से, हम जो मेहनती लोग हैं, किस तरह से पशुओं के द्वारा हम बर्बाद हुए जा रहे हैं, और इस पर कोई कार्यवाही, कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मात्र 2 या 3 साल में यहाँ की खेती किसानी नष्ट हो चुकी होगी, क्योंकि 75% खेती हमारे पहाड़ों की, हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों की नष्ट हो चुकी है। लोगों ने जंगली जानवरों की वजह से खेती बाड़ी छोड़ दी है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर भी करें, क्योंकि यदि आप शेयर करेंगे तो ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचेगा, तब जाके जो भी इसमें हमारी जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारी सरकारें हैं, वो इस पर एक्शन ले सकती हैं और किसान और गरीब के हित में होगा यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं। आप देख सकते हैं किसान कितना मेहनत करता है, सुबह से शाम तक पसीना बहाता है और उसके बाद उसकी एक आस बंधती है कि इस खेती से मुझे कुछ मिलेगा, और जब वो देखता है इतनी मेहनत के बाद उसकी फसल को ऐन मौके पे जब फसल तैयार होती है पशुओं द्वारा नष्ट किया जाता है, तो सोचो उसके दिल पे क्या बीतती होगी। तो साथियों, फ्रेंड्स, आपसे केवल इतनी विनती करता हूँ, जनहित में इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम अपनी आवाज़ को समय समय पर हम जनहित के मुद्दों को अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाते रहें। तो आप देखिए वीडियो को आगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, सुबह के 7 बज रहे हैं और हम कर रहे हैं अपने नए ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स, आज सुबह प्रकृति के दृश्य कुछ इस प्रकार से है, या आप देख सकते हैं मौसम में बादल छाए हुए हैं, या आप देख सकते हैं पूरा आसमान बादलों से आच्छादित है, और ये सामने का दृश्य, या आप देख सकते हैं ये सामने का दृश्य आज सुबह का, और ये रानीचोरी मार्केट सामने, या आप देख सकते हैं ये आसमान में इस तरह से बादल छाए हुए हैं, या आप देख सकते हैं तो फ्रेंड्स, अब हम जा रहे हैं अपने कीवी के बगीचे की तरफ, और हमें अभी सूचना मिली है कि जो हमारा कीवी का बगीचा था वो पशुओं ने नष्ट कर दिया है, और इस साल उसमें 2.5 से 3 क्विंटल कीवी फल लगे हुए थे,
लेकिन रात में यहाँ पर गाय बैल आए और उन्होंने तमाम जो यहाँ पर हमारी फसल थी, हमारे पेड़ पौधे थे, फलदार वृक्ष थे, वो सारे नष्ट कर चुके हैं। तो वहाँ जा रहे हैं हम, वहाँ से आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये जो आवारा पशु छोड़ रखे हैं लोगों ने, वो किस तरह से यहाँ पर फसलों को चौपट कर रहे हैं। तो अब हम पहुँच चुके हैं अपने खेत में। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमारे कीवी के पेड़ हैं, और कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाई थे तो बहुत ही अच्छे हरे भरे हो गए थे, इनमें कीवी भी काफ़ी लगी हुई थी और कुछ कुछ पेड़ों में है, और बाकी पेड़ पशुओं ने नष्ट कर दिए हैं। या आप देख सकते हैं इसमें केवल ये शाखा ही शाखा रह गई है और पत्ते सारे नष्ट हो चुके हैं। या आप देख सकते हैं पूरी शाखाएँ पशुओं ने खा दी हैं और इनमें फल भी लगे हुए थे, ये आप देख सकते हैं। और अब दोबारा इसमें पत्ते आ रहे हैं लेकिन अब फल नहीं लगेंगे, फल केवल एक ही बार लगते हैं, ये आप देख सकते हैं। पूरा पेड़ पशुओं ने इस तरह से हमारे नष्ट कर दिए हैं, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल। और अभी एक पौधे में फल भी लगे हुए हैं और वो भी शायद अब पशु उनको भी खा देंगे, और ये देख सकते हैं आप कितना बचाव करें। इस तरह से सारा कीवी का जो बगीचा था वो पशु उसको नष्ट कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 10 कीवी के पेड़ मैंने लगा रखे थे और केवल एक शेष ये पेड़ बचा हुआ है, जिसमें कुछ फल अभी बचे हुए हैं, क्योंकि ये काफ़ी हमने ऊंचा तारों के सपोर्ट्स में लगाया था। और आप देख सकते हैं पीछे इसमें कितनी अच्छी इसमें फ्रूटिंग हो रखी थी, और केवल इसमें अब 15 या 20 दाने शेष बचे हुए हैं, और ये भी कब पशु खा जाएँ कुछ बताया नहीं जा सकता है। ये आप देख सकते हैं कितने सुंदर इसमें फल लगे थे, और जैसे मैंने पहले बताया कि 2.5-3 क्विंटल इस साल फ्रूटिंग हुई थी, लेकिन अब इसमें पूरे पौधों में 5 किलो कीवी भी नहीं बची हुई है। यह आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और मोटी कीवी इस साल लगी हुई थी, और अभी इस फल को लगे हुए 20 या 25 दिन हो गए हैं, और अक्टूबर नवंबर तक ये काफ़ी बढ़ जाएगा, और साइज़ भी बड़ा अच्छा इस साल आया था, ये आप देख सकते हैं। और बस इतने ही फल इसमें बचे हुए हैं, और बाकी फल पशुओं ने अच्छी तरह से चपट कर लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। और ये पूरा मेरा कीवी का बगीचा है, ये आप देख सकते हैं केवल लकड़ी ही लकड़ी इनमें नज़र आ रही है, पत्ते सारे पशु खा गए हैं, फल सारे पशु खा गए हैं, ये आप देख सकते हैं। और कई पेड़ों को उन्होंने नुकसान भी पहुँचा दिया है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं केवल आपको दिखा रहा हूं कि इस साल तकरीबन मेरे को कितना नुकसान हुआ है इन पशुओं के वजह से, इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूं। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने यहां पर आपको कुछ महीने पहले दिखाया था कि हमने यहां पर लेमन ग्रास लगाई थी, वो भी पशुओं ने चर दी है, और कुछ कुछ पौधे शेष रहे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लेमन ग्रास का पौधा ये पूरा पशुओं का खा रखा है, सूख गया है, और कुछ कुछ पौधे हमने यहाँ पे 150-200 पौधे लगाए थे, उनमें से मात्र यहाँ पे 2 या 3 पौधे ज़िंदा हैं, ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार से ये पौधे भी काफ़ी बढ़ गए थे, लेकिन पशु ने इनको खा दिया है, और अब नीचे से इसमें कुछ आस बंद रही है, ये हरा हरा बर्ड्स इसमें आ रही है। तो 2-4 पौधे भी यदि तैयार हो जाते हैं तो हम इन्हीं पौधों से इनको आगे बढ़ा देंगे, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गड्ढा ही गड्ढा नज़र आ रहा है, पौधा सारा नष्ट हो चुका है पशुओं की वजह से, या आप देख सकते हैं पूरा खेत हमारा खाली हो चुका है। मैंने 2.5-3 महीने पहले ये पौध लगाई थी, आपको वीडियो बताया था, और मैंने सोचा कि यहाँ पे लेमन ग्रास लगाऊं, और दिल्ली में किसी व्यापारी से बात हुई थी कि वो जितना भी हम तेल निकालेंगे वो लोग इसको खरीद लेंगे, लेकिन सारे जो हमारे ख्वाब थे कि हम अपनी खेती बाड़ी से कुछ कमाएंगे, वो सारे पशुओं के वजह से सारा ख्वाब हमारे चकनाचूर हो चुके हैं। और फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक विशेष कोलोनल वैरायटी सेब लगाया था, अर्ली वैरायटी है, वो भी पशुओं ने यहाँ पे नष्ट कर दी है, वो भी आपको दिखा देते हैं इस प्रकार से। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं
ये सेब का पौधा है, ये देख सकते हैं पशुओं ने इसको पूरा ऊपर से चपट कर दिया था। तकरीबन ये 1 मीटर तक बढ़ गया था और इसमें 2-4 दाने फल भी लगे हुए थे, लेकिन पशुओं ने देर से पूरा खा दिया है और अब ये डंठल ही डंठल शेष रह गया है। और इस तरफ भी आपको दिखा देते हैं, ये पौधा भी पूरा नष्ट कर गए हैं पशु, ये आप देख सकते हैं इस तरह से सारे पौधे, एक एक पौधे आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह से सारे पौधों को यहाँ पे नष्ट कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से पशुओं ने इन पौधों को नष्ट कर दिया है। और इस तरह से आप देख सकते हैं पूरे पौधे को नीचे गिरा दिया है और उस कोने तक आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स ये हमारे आड़ू के पेड़ हैं, आप देख सकते हैं इन आड़ू को भले ये काफ़ी बढ़ चुके हैं लेकिन बंदरों ने इनको भी नष्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी वैरायटी का आड़ू था, हमने केवल जब शुरू में लगे थे देखे थे, उसके बाद हमें कहीं कोई आड़ू दिखाई नहीं दिया क्योंकि बंदरों ने उनको तैयार होने से पहले, पकने से पहले ही नष्ट कर दिया था। यह आप देख सकते हैं ऊपर पशुओं ने किस तरह से इस पेड़ के 2 फाड़ कर दिए हैं, ये बंदरों ने सारे पेड़ को अच्छी तरह से नष्ट कर दिया है। यह आप देख सकते हैं यहाँ से ये पूरी टहनी को बंदरों ने तोड़ दिया है, फल भी नष्ट कर दिए हैं और काफ़ी मात्रा में इसमें फल लगे हुए थे, वो भी हमने पहले के वीडियो में आपको दिखाया था, मात्र 0.5 किलो फल आज इस पेड़ से निकले हैं और सारे फल बंदरों द्वारा नष्ट कर दिए गए हैं। ये देख सकते हैं इस टहनी को कैसे तोड़ा गया है, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही बड़ा नुकसान इस साल पशुओं ने हमारा कर दिया है। और ये हमारी मिसेज अनिता देवी जी और ये एक आध जो इसमें फल लगे हुए थे ये देख सकते हैं तोड़ रही हैं, ये आप देख सकते हैं बहुत सारे इसमें फल लगे हुए थे लेकिन आज इन फलों को ढूंढना पड़ रहा है पेड़ में, एक आध जो फल हैं वो कहीं पत्तों के बीच में दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इस तरह से हमने इतने फल, ये आप देख सकते हैं ये आड़ू हम निकाल चुके हैं, बस इतने ही आड़ू इसमें हमें मिले हुए हैं। तो फ्रेंड्स अभी 2-4 दाने पेड़ के ठीक चोटी पे लगे हुए हैं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, काफ़ी दूर है, अब मैं पेड़ पे चढ़ूँगा और फिर उन आड़ू के जो 2-4 दाने हैं उनको निकालूंगा। तो फ्रेंड्स अब मैं इस पेड़ पे चढ़ रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप, और वहाँ से 2-4 दाने आड़ू का निकालूंगा। तो मैं जा रहा हूँ इस तरह से, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं पेड़ पे चढ़ रहा हूँ और काफ़ी ऊपर मैं पेड़ में आ चुका हूँ। और इस तरह से आप देख सकते हैं इतने आड़ू मैंने निकाल दिए हैं और ये खेत में मैंने चला दिए हैं नीचे। फ्रेंड्स मैं पेड़ से नीचे उतर गया हूँ और 2-4 दाने जो पेड़ में लगे थे वो हमने तोड़ दिए हैं, या आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो इतने आड़ू फ्रेंड्स हम तोड़ चुके हैं या आप देख सकते हैं। और इसमें भी तकरीबन इस पेड़ में 1 क्विंटल आड़ू लगा हुआ था और 1 क्विंटल आड़ू में से आप देख सकते हैं गिनती के इतने आड़ू हमें मिले हैं इस साल, सारे बंदरों ने नष्ट कर दिए थे। और ये हमारी मिसेज अनिता जी अभी इनको इकट्ठा कर रही हैं, ये देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सादर प्रणाम, जय हिंद जय उत्तराखंड।